डेट की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बताया था डेट में किसी पर्टिकुलर इंटरवल को ऐड करना। अब हम बात करेंगे डेट में एक्सट्रैक्ट करना। हमारे पास पर्टिकुलर डेट है, उसमें से क्या क्या हम अलग कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल एक्सेल में करते थे। और जैसे बताया कि नॉर्मल एक्सेल के फॉर्मूले यहाँ पावर क्वेरी पे नहीं चलते हैं, इसके खुद के अलग अलग फॉर्मूले हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें डे अलग करना है, तो यहाँ पे मैंने कस्टम कॉलम ऐड करके यहाँ पे मैंने डे कर दिया, और यहाँ डेट डॉट डे, डेट डॉट डे को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को ओपन किया, और हमने यहाँ से डेट को सेलेक्ट करके क्लोज किया ब्रैकेट एंड ओके किया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डे आ गया, जो तारीख होता है ना 1 2 3 4, उस तरह के सारे तारीख आपके आ गए। लेकिन मुझे अगर मान लीजिए डे ऑफ वीक चाहिए तो क्या होगा, डे ऑफ वीक में आपका वीक का नेम अलग होगा। चलिए बताते हैं आपको, डब्ल्यू एन के नाम से हमने बनाया इसको, डेट, डेट में आपके देखिए डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक में हमने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया अपने डेट को, और यहाँ पे हमने एंटर प्रेस कर, तो देखिए संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे इस सारा आपका अलग हो गया। इसी में एक और फॉर्मूला आपका आता है, वो आता है डेज ऑफ वीक नेम, डेज ऑफ वीक नेम, ये भी आपका वीक नेम रिटर्न करता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके लिए। यहाँ पे कस्टम, और यहाँ पे हम डेट का फॉर्मा लगाया, यहाँ पे वीक नेम सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को ओपन किया, डेट को सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पे हम इसको ओके करते हैं। सेम ही आपका ये भी सेम वर्क करता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। उसके बाद आता है डेट ऑफ ईयर, किसी डेट में से ईयर को अलग करना है तो उसके लिए हम डेट ऑफ ईयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे हम ईयर का फॉर्मूला लगा देते हैं, और यहाँ हम ईयर डेट ऑफ ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन, और अपना डेट को सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे कॉमा। ये देखिए आपका, अच्छा ईयर का कौन सा डेट है वो बता रहा है, ईयर का कौन सा डेट है वो बताता है डेट ऑफ ईयर। ऐसे इसमें आपके सामने आता है डिस्प्ले डेज इन मंथ, यहाँ पे हम लगाते हैं डेट डेज इन मंथ, ब्रैकेट ओपन किए, हम इस डेट को सेलेक्ट करते हैं और फिर इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, ये एरर आ, इसमें हमने कुछ गलती किया है लग रहा है। अच्छा इसमें हमने नेम ले लिया है, हमें लेना चाहिए था डेट और हमने ले लिया नेम। स्क्वायर ब्रैकेट में कि डेज इन मंथ का मतलब हुआ कि एक्सेल में जब हम लोग ईओ मंथ लेते हैं ना, ये पर्टिकुलर मंथ है बताता है कि कितने नंबर ऑफ डेज है, वो आपका डेज ये दिखाता है,
डेज इन मंथ कि नंबर ऑफ डेज है कितना टोटल महीने में, ये आपका ये बताता है। फिर आता है एंड ऑफ डे, एंड ऑफ डे जो है देखते हैं क्या करता है इसमें, रिटर्न द डेट टाइम वैल्यू एंड ऑफ द डे। तो कस्टम में आते हैं और यहां पे हम डेज का फॉर्म हेडिंग देते हैं, ब्रैकेट डेट डॉट एंड ऑफ डेट, ब्रैकेट ओपन, डेट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। सॉरी यहाँ पे डेट लिखा रह गया, और यहाँ देखेंगे इस तरह से आपका एंड ऑफ मंथ होता है, एंड ऑफ क्वार्टर होता है, डेट का अंत में 12 बजे तक आया, टाइम दिखा दिया आपको 12 बजे बंद। इसी अगर एंड ऑफ मंथ करते हैं तो एंड ऑफ मंथ में हम डेट डालेंगे और उस मंथ का आखिरी डेट निकाल के देखेंगे। जैसे आप 31 दिख रहा है, इसमें 31 आता है लेकिन इसमें आपको पूरा का पूरा डेट आएगा। तो यहाँ पे हम अगर देते हैं ये मंथ को यहाँ कर देते हैं कॉलम और डेट एंड ऑफ मंथ, तो एंड ऑफ मंथ क्या करेगा कि जो डेट आप सिलेक्ट करेंगे उस डेट के लास्ट मंथ को शो करे, लास्ट डेट को शो करेगा। जैसे जनवरी है तो 31 फरवरी है तो लास्ट डेट को शो करेगा। इस तरह से आपकी बाकी फॉर्मूला भी है, तो अगले वीडियोज में हम बाकी बात करेंगे।